अनेक दायित्व का निर्वहन करने वाले माननीय भजनलाल शर्मा जी राजस्थान के प्रधान सेवक के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में अपना काम कर रहे हैं। आप देखिए कि अंतर इस बात का कि एक समय सरकार थी जब अपने कालखंड के अंतिम दिनों में काम करना शुरू किया और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो उन्होंने संकल्प पत्र की गारंटी थी उस गारंटी को एक माह भी नहीं बीता और उन्होंने लगातार प्रदेश के हित के लिए विकसित राजस्थान प्रगतिशील राजस्थान गिर जाएंगे ऊपर वाले गिर जाएंगे स्वस्थ राजस्थान समृद्ध राजस्थान सशक्त राजस्थान इस दिशा में एक नहीं अनेक कदम उठाते हुए कई निर्णय लिए हैं। मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि कल ही उन्होंने घोषणा की प्रदेश के हित में कि जनता की राय के आधार पर जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने बनाया उसको संकल्प मानते हुए उन्होंने 450 रुपए में गैस का सिलेंडर मिले इसके लिए 1 जनवरी से उनको मिलने की सारी व्यवस्था सुनिश्चित की। इसके लिए मैं पूरे प्रदेश की माताओं बहनों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। और ये एक सामान्य बात नहीं है, आदरणीय मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद एक समय का भोजन बनाते समय 400 सिगरेट पीने के बराबर उस धुएं से नुकसान फेफड़ों को होता था, पर्यावरण को नुकसान होता था। उन सारी समस्याओं का समाधान करते हुए देश में पहली बार आजादी से लेकर अब तक जितने केस के कनेक्शन नहीं होंगे उससे ज्यादा मोदी जी के इस कालखंड में उससे ज्यादा गैस के कनेक्शन मिले। अरे गरीब के घर में भी अब बारिश के दिनों में चूल्हे में घर में पानी भर जाता था, कई समस्याएं आती थी, गीली लकड़ियों में कैसे भोजन बनाए, लेकिन आज उज्ज्वला के कनेक्शन के कारण वो अच्छे से अपने परिवार का निर्वहन कर सकते हैं। मैं राजस्थान की सरकार का और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस दिशा में कदम उठाया और इसके लिए 626 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार प्रतिवर्ष राजस्थान की सरकार पर आएगा। अंतर इस बात का है कि एक तरफ वो सरकार थी जो कालखंड के 5 वर्ष के लिए चुनी गई, लेकिन अंतिम 5 महीने के लिए जनता के लिए उन्होंने योजनाएं शुरू की, लेकिन दूसरी तरफ वो सरकार है जो दीनदयाल जी के अंत्योदय के भाव को लेकर चलने वाली, जिन्होंने अपना मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही एक माह भी नहीं बीता और उन्होंने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया। राजस्थान में 70 लाख से अधिक महिलाओं को उज्ज्वला के इस योजना का लाभ मिला है। निश्चित रूप से इस योजना से उनको एक बहुत बड़ा संबल मिलेगा। मुख्यमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने एक घोषणा पत्र में स्पष्ट कहा था कि पेपर लीक जिन लोगों ने भी किया है, जो भी इसके पीछे थे, चाहे कितने ही बड़े कितने ही प्रभावशाली व्यक्ति हो, जिन्होंने राजस्थान के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, ऐसे लोगों को कठोर सजा मिलनी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए SIT का गठन कर दिया और SIT के गठन के बाद इस SIT ने इस दिशा में अपनी कार्रवाई को तीव्र कर दिया। और मैं सोचता हूं जो भी लोग हैं, चाहे कितने ही प्रभावशाली हों, जिन्होंने राजस्थान के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, ऐसे लोगों के
खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, इस दिशा में माननीय प्रधान माननीय मुख्यमंत्री जी ने कदम उठाया है। पिछली सरकार में अपराध का तांडव पूरे प्रदेश में था, और मुख्यमंत्री जी ने जो संगठित अपराध है गैंगवॉर, इसकी रोकथाम के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाई, और एक एडीजी दिनेश एमएन जी के नेतृत्व में इसका गठन करके इस प्रकार के अपराध और अपराधियों पर, क्योंकि पिछले 5 वर्ष में सत्ता के लोगों के संरक्षण के कारण राजस्थान में अपराध चरम पर पहुंच गया और उसकी कई घटनाएं राजस्थान की जनता ने देखी है, लेकिन अब ये टास्क फोर्स चाहे अपराधी कोई हो, अपराधी के पीछे बड़ा किसी का भी हाथ हो, लेकिन ऐसे अपराधियों को ढूंढकर उनको सजा दिलाना, इसके लिए अपनी एक मंशा जाहिर कर दी और इस दिशा में इस टास्क फोर्स ने काम करना शुरू कर दिया। ईआरसीपी को लेकर सिर्फ वादे नारे और घोषणाएं अभी तक राजस्थान की जनता ने देखी थी, लेकिन मोदी जी की सरकार में और यहाँ डबल इंजन की सरकार बनने के बाद कल दिल्ली में राजस्थान और मध्य प्रदेश के अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हो गई, और ये ईआरसीपी का जो लंबे समय से मामला था, जो 13 जिलों को इस दिशा में एक बहुत बड़ा संबल मिलेगा, इस दिशा में कल एक महत्वपूर्ण बैठक होगी और जल्दी ही उस क्षेत्र के लोगों को एक संजीवनी मिलेगी, एक बहुत बड़ा काम होगा ऐसा मैं सोचता हूं। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने इनिशिएटिव लेते हुए प्राथमिकता के आधार पर इस काम की आगे बढ़ाने का काम किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो काम जो देश कई वर्षों से इंतजार कर रहा था, आजादी के इतने वर्षों के बाद भी कई लोगों को रहने का पक्का मकान नहीं मिला, बैंक में खाता नहीं, उज्ज्वला का कनेक्शन नहीं, शौचालय नहीं, स्वास्थ्य की कोई गारंटी नहीं, ऐसे अनेक काम जिनकी तुलना देश की जनता 60 वर्ष बनाम 9.5 वर्ष करती है, उन 60 वर्षों में ज्यादा काम इन 9.5 वर्षों में हुआ, तो मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी पूरे देश भर में, ये विकसित भारत संकल्प यात्रा राजस्थान में भी एक रिकॉर्ड बना रही है, एक इतिहास बना रही है। मैं सोचता हूं संकल्प यात्रा के शिविरों में 1,03,000 से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ पहुंचाया गया, और इन शिविरों के माध्यम से ये पहला राज्य होगा राजस्थान जहां इस संख्या तक पहुंचने का काम हुआ। पीएम उज्ज्वला योजना के पंजीकरण में भी राजस्थान अग्रणी राज्यों में है, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में भी राजस्थान अव्वल है, मेरी कहानी मेरी जुबानी में लाभार्थियों में भी राजस्थान अग्रणी राज्यों में है, और इसके माध्यम से जो स्वास्थ्य कैंप लगाए जा रहे हैं उसमें भी बड़ी संख्या में लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण भी हो रहा है। इन कैंपों में अब तक 15,93,000 लोगों की स्वास्थ्य की जांच हो चुकी है, और इसमें भी प्रदेश में दूसरे स्थान पर राजस्थान आता है। इन स्वास्थ्य कैंपों में 8,54,000 से अधिक लोगों की टीबी की जांच हो चुकी है, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने केयरटेकर भी पार्टी के कार्यकर्ता बन रहे हैं, जनप्रतिनिधि बन रहे हैं, उसको मासिक पैसा उनके खातों में जाए, मुफ्त में दवा मिले, उनका स्वास्थ्य का परीक्षण हो, ये पहली बार देश की जनता देख रही है। तो इस दिशा में भी बहुत बड़ी संख्या में पीएम सुरक्षा बीमा योजना में भी देशभर में अग्रणी राज्यों की गिनती में राजस्थान इस दिशा में अच्छा काम हो रहा है। इन शिविरों में अब तक 40,00,000 अनेक दायित्वों का निर्वहन करने वाले ले चुके हैं। इन शिविरों में 6,90,000 आयुष्मान कार्ड जारी हो चुके हैं, और मैं सोचता हूं कि सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 1 माह के भीतर अनेक फैसले जो वादे किए थे राजस्थान की जनता के साथ, उनको
पूरा करने के लिए डबल इंजन की सरकार ने इस दिशा में कदम उठाए हैं। आज इसी संदर्भ में आप सब लोगों से बातचीत करने की बहुत बहुत धन्यवाद। सीपी जी, मेरा सवाल ये है कि आपकी आज आपने चश्मा नहीं लगाया। आपकी पार्टी की सरकार बने हुए काफी दिन हो गए, विपक्ष बार बार ये मुद्दा उठा रहे हैं कि अभी तक मंत्रिमंडल की गठन तक नहीं कर पाए आप, तो जनता की कहां से सहूलियत दे पाएंगे? आज मैंने जो फैसले बताए हैं, एक वो सरकार थी जो 4.5 वर्ष तक कुर्सी बचाने और भ्रष्टाचार करने में लगी रही, दूसरी तरफ डबल इंजन की सरकार है जिन्होंने कुछ ही दिनों में जो संकल्प जनता के साथ किया था, जो वादे किए थे उनको पूरा करने के लिए कई कदम उठाए और उस दिशा में बड़ा काम किया है। मैं सोचता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश, जैसा मैंने कहा कि प्रगतिशील राजस्थान हो, इस दिशा में अनेक कदम उठाए हैं, जैसा आपने कहा है उस दिशा में लगा दी। सर, कांग्रेस की एक रैली चल रही है नागपुर में, वहाँ रैली है, राहुल गांधी की भी यात्रा जो है शुरू होने वाली है, कैसे देख रहे हो? लोकसभा की तैयारी जो है कांग्रेस कह रही है, राहुल गांधी का स्टेटमेंट भी आया है, पावर की लड़ाई नहीं है, आइडियोलॉजी की लड़ाई है देश में जो चल रही है, कैसे देख रहे हैं? राहुल गांधी जी पता नहीं कौन सी आइडियोलॉजी के, मेरे भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन जिन लोगों ने इस देश को तोड़ा है, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए भारत माता के टुकड़े करा दिए, जिन लोगों ने धारा 370 जब हट रही थी तब किस प्रकार से विरोध देश और संसद के अंदर कर रहे थे, जिन लोगों ने देश में जब भी राष्ट्रहित में कोई निर्णय हुआ, चाहे 3 तलाक का हो, धारा 370 का हो, चाहे राम मंदिर का हो, जिन लोगों ने हमेशा विरोध किया, उनकी कौन सी विचारधारा है उनको स्पष्ट रूप से देश के सामने रखना चाहिए। मंत्रिमंडल के गठन में क्या पेच फंसा हुआ है सर? रिकॉर्ड बन गया सर, रिकॉर्ड, कोई पेच नहीं फंसा, इसकी जल्दी सूचना होगी और आपके साक्षी में जल्द काम होगा। देखिए, 5 वर्षों में जिस प्रकार से लचर व्यवस्था थी उसको चुस्त और दुरुस्त करने का काम डबल इंजन की सरकार ने शुरू कर दिया। मैं फिर कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, अपराधी चाहे कोई भी हो, अपराधी के पीछे चाहे किसी का भी हाथ हो, उस दिशा में भारतीय डबल इंजन की सरकार कड़ा कदम उठाएगी और उसको सजा देने का काम होगा।